विंटर सेशन मनोहर के मायावती का एक बयान सामने आया है, जहां अपने बयान में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो मतदान हुआ है, उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं उसको लेकर लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत दुख है और चिंता की बात है। देश में लोकसभा राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफी खुलकर किया जा रहा है। ये सब हमें हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखने को भी मिला है, जहां महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसे लेकर काफी आवाजें उठाई जा रही हैं। यह हमारे देश और लोकतंत्र के लिए खतरे की बड़ी घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि अब तक देश के फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारी पार्टी देश के अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हमारी पार्टी देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा के चुनाव तथा स्थानीय निकायों के चुनाव पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ेगी। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं, तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफी खुलकर किया जा रहा है और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। और इस बार महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफी आवाजें उठाई जा रही हैं। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी